हेलो फ्रेंड्स, मैं डिंपल और स्वागत है आपका डिंपल स्ट्रीम में। आज मैं छेनापोड़ा की रेसिपी लेके आई हूँ। तो ये कोई नॉर्मल छेनापोड़ा नहीं है फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे होंगे ये है चॉकलेट छेनापोड़ा। आपने नॉर्मल छेनापोड़ा तो बहुत बार ही ट्राई किया होगा, बट चॉकलेट छेनापोड़ा कभी ट्राई नहीं किया होगा। इस फेस्टिव सीजन मीन्स रक्षाबंधन आने वाला है, तो इस रक्षाबंधन में आप अपने छोटे छोटे प्यारे प्यारे भाइयों को चॉकलेट छेनापोड़ा बनाकर उन्हें आप स्पेशल फील करवा सकती हैं। जैसे कि बच्चों को नॉर्मल मिठाइयाँ, लड्डू, पेड़ा ये सब उतना पसंद नहीं आता है जितना पसंद आता है चॉकलेट फ्लेवर की कोई भी चीज़ें, स्पेशली केक। तो ये हेल्दी केक बना के और साथ ही साथ इसमें चॉकलेट फ्लेवर डाल के आप अपने छोटे छोटे प्यारे प्यारे भाइयों को बहुत ही ज़्यादा फील करवा सकती हैं हैप्पी। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं ये चॉकलेट छेनापोड़ा हमें कैसे बनानी है। चॉकलेट छेनापोड़ा बनाने के लिए यहाँ पे 1.5 कप मैंने लिया है फ्रेश छेना, और इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग डालते हैं चीनी। यहाँ मैंने 2 से 3 चम्मच ही चीनी का यूज़ किया है, बिकॉज चॉकलेट फ्लेवर बना रही हूँ तो थोड़ा सा इसका चॉकलेट का फ्लेवर अच्छी तरीके से आए, इसलिए मैंने यहाँ पे चीनी की मात्रा थोड़ी कम ली है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसे बढ़ा सकती हैं। अब इसे अच्छी तरीके से हमें मिक्स करना है। चीनी मेल्ट हो जाएगा तो पता चल जाएगा कि अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है, तो तब तक मिक्स करना है जब तक ये चीनी मेल्ट ना हो जाए और ये डो जैसा बिल्कुल रेडी ना हो जाए। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरा सॉफ्ट डो बिल्कुल रेडी हो गया है। तो अब इसमें डालते हैं 2 से 3 चम्मच सूजी। यहाँ मैंने 3 चम्मच डाला है सूजी, और साथ ही इसमें जाएगा 1 से 1.5 चम्मच घी। और घी और सूजी को डालने के बाद फिर से हमें सेम प्रोसेस करना है, मिक्स करना है फिर से। मिक्स करते करते ये बिल्कुल लाइट वेट और लूज टाइप का हो जाता है। तो ये देखिए मैंने फिर से इसे मिक्स कर लिया है। इसकी कंसिस्टेंसी को सेट करने के लिए इसमें हमें डालना है थोड़ा सा छेना का पानी। जो छेना निकालने के बाद पानी बचता है उसी पानी का यूज़ किया है मैंने, अप्रॉक्स 2 टेबल स्पून मैंने यूज़ किया है यहाँ पे छेना का पानी। थोड़ा सा भाग इसमें कटोरीज में निकाल लेते हैं, और बचे हुए भाग में मीन्स ज़्यादा मैंने यहाँ पे बचा के रखा है, इसमें डालते हैं चॉकलेट। डार्क चॉकलेट मैं यूज़ कर रही हूँ, इसे ग्रेट कर लिया है मैंने, 1/2 कप लिया है डार्क चॉकलेट, और मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरीके से। यहाँ पे मोल्ड के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ टिन वाले जो टिफ़िन आते हैं स्टील के, तो वही स्टील वाले टिफ़िन का मैं यूज़ कर रही हूँ। इसमें मैंने घी से इसे ग्रीस कर लिया है, तो ओवल शेप का है ये। तो चलिए देखते हैं इस टिफ़िन में कैसा बनता है मेरा छेनापोड़ा। तो इसमें डालते हैं चॉकलेट वाला छेना डाल के इसे अच्छी तरीके से स्पून की मदद से हमें फैला लेना है, इवेनली इसे अच्छी तरीके से स्प्रेड कर लेना है। तो चम्मच की सहायता से मैं इसे फैला लेती हूँ। छेनापोड़ा की बाकी रेसिपी देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विजिट करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो अच्छी अच्छी रेसिपी के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को बेल आइकन के साथ। तो ये देखिए मैंने चॉकलेट वाले बैटर को अच्छी तरीके से स्प्रेड कर लिया है, देन वाइट वाला छेना का पार्ट भी इसमें डालते हैं, और चम्मच की सहायता से इसे भी इवनली फैला लेते हैं। बिल्कुल लाइट चम्मच की सहायता से इसे फैलाना है, प्रेस नहीं करना है बहुत ज़्यादा। इसे और भी इंटरेस्टिंग, ब्यूटीफुल और टेस्टी बनाने के लिए इसमें मैंने डाले कुछ चॉको चिप्स डालते ही देखिए फ्रेंड्स ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। बेक होने के बाद और भी ये टेस्टी और लुक वाइज बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो इसे बेक करना है हमें अवन में, तो अवन को मैंने 180 डिग्री या फिर 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रीहीट कर लेना है। देन इसे बेक करना है 15 से 20 मिनट के लिए। लुक वाइज 2 लेयर मैंने इसे इसलिए बनाया है, मीन्स बेक करते हुए हमें आइडिया हो जाता है कि ये बेक कैसा हुआ है। ऊपर का पार्ट वाइट रहने से बहुत ही ईजी रहता है चेक करने में। तो इसे मैंने डाल दिया है अवन में, तो वेट कर लेते हैं 15 से 20 मिनट होने का। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं फ्रेंड्स, तो अब इसे निकाल लेते हैं। लुक वाइज देखिए पता चल रहा है कि बेक हो चुका है, इसके जो किनारे बिल्कुल गोल्डन हो गए, वाइट है इसलिए पता चल रहा है कि ये गोल्डन होने लगा है साइड से। टूथपिक से भी मैंने चेक कर लिया है, बिल्कुल क्लीन है, और किनारे से टिफिन को भी ये छोड़ने लगा है। तो इसे डीमोल्ड करने से पहले कर लेते हैं पूरी तरीके से ठंडा। मेरा छेना केक बिल्कुल ठंडा हो चुका है, तो नाइफ से थोड़ा सा किनारे को क्लीन कर लेते हैं और इसे डीमोल्ड कर लेते हैं। वाओ, ये देखिए फ्रेंड्स लुक वाइज ये पता चल रहा है कि छेनापोड़ा केक बहुत ही टेस्टी बना है, टिफिन भी बिल्कुल क्लीन है। ये सेम प्रोसेस आप ओवन की जगह कढ़ाई में भी कर सकती हैं। बाकी छेनापोड़े में आप देख सकती हैं कि किस टाइप से मैंने इसे कढ़ाई में बेक किया है, बट आज मैंने ओवन में बेक किया है। ये देखिए 2 लेयर होने की वजह से ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, और बच्चे इसे बहुत पसंद करेंगे। तो इस रक्षाबंधन में आप भी बनाएं और मुझे बताना भूलें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। बाय बाय।